नमस्ते। आज हम आपको कुछ अमेजिंग टिप्स बताएंगे कि अभी तक आपने देखा होगा कि कॉरिडोर के अंदर तेज नंबरिंग का कोई ऑप्शन नहीं था, जैसे वर्ड में एमएस वर्ड में होता है या फिर पेज मेकर में होता है, पर आपने देखा होगा कि कॉरिडोर में पेज नंबरिंग का कोई ऑप्शन नहीं है। अगर हम बात करें कॉरिडोर 6 X6 या X7 के अंदर आपको ऑटोमेटिक पेज नंबरिंग का ऑप्शन दिया है, तो उस ऑटोमेटिक पेज नंबरिंग को ऑप्शन को यूज़ करने के लिए आप कहाँ जाएंगे? यहाँ देखिए, आप लेआउट में हैं और ये वाला ऑप्शन पेज नंबर्स, बिल्कुल यहाँ पे देखिए आपने लेआउट पे क्लिक किया और यहाँ पे पेज नंबर ऑप्शंस। अब इसमें देखिए ऑन एक्टिव लेयर पे आप यहाँ पे कुछ ऑप्शन है, ऑन एक्टिव लेयर पे आप पेज नंबरिंग चाहते हैं, ऑन ऑल पेजेस चाहते हैं या ऑन ऑल पेजेस पे चाहते हैं। तो हम यहाँ पे क्लिक करें ऑन ऑल पेजेस। जो आप ऑन ऑल पेजेस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए आपका नंबरिंग ऑटोमेटिक इंसर्ट हो गया, वन नंबर यहाँ पे देखिए आपके सामने। आप चाहे तो इसको थोड़ा इसको सेट कर सकते हैं, थोड़ा बॉक्सेस वगैरह या इसके साथ में कोई टैक्स वगैरह लिख सकते हैं कि पेज नंबर वन है, यहाँ पे पेज नंबर वन लिखा हुआ है। मैं इसी के साथ में थोड़ा सा टैक्स ऐड कर देता हूँ आपके सामने, पेज नंबर वन मैंने ऐड कर दिया यहाँ पे इस तरह से। ये आपका पेज नंबर वन डाल दिया है यहाँ पे। चाहे तो आप उसका फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं यहाँ से, जो भी आप चाहते हैं ऐसे फ़ॉन्ट, जैसा भी आप चाहते हैं ऐसे फ़ॉन्ट स्टाइल, आप जैसी भी आपकी रिक्वायरमेंट है यहाँ से पेज नंबर की फ़ॉन्ट स्टाइल आप चेंज कर सकते हैं, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है जैसा भी आप चाहते हैं यहाँ से। ये चेंज हो गया आपका पेज नंबर स्टाइल, यहाँ से देखिए यहाँ से। आप चाहते हैं कि नंबर फॉर्मेट आप चाहते हैं कि 1, 2, 3 ABC या फर्स्ट सेकंड थर्ड आए, तो आप नंबर फॉर्मेट भी चेंज कर सकते हैं। ये नंबर फॉर्मेट उसके लिए कहाँ जाइएगा? लेआउट और यहाँ पे देखिए पेज नंबर सेट। किस तरह का आपको स्टाइल चाहिए, फर्स्ट सेकंड चाहिए, ओके करके देखिए फर्स्ट आ गया। जैसा भी आपको यहाँ पे चाहिए फॉर्मेट, वो फॉर्मेट आप यहाँ पे सेलेक्ट के ABC चाहिए ABC, देखिए यहाँ पे ABC आ गया कम्प्लीटली। जैसा भी नंबर फॉर्मेट चाहिए, जैसी भी आपकी रिक्वायरमेंट है वो सेलेक्ट करिए। अभी पेज वन है, नंबर वन आ रहा है। जो यहाँ पे देखिए पेज टू इंसर्ट करेंगे, ऑटोमेटिक पेज नंबर टू लिखा हुआ है। जितना पेज इंसर्ट के 3, 4, 5 जितना पेज इंसर्ट, ऑटोमेटिक पेज नंबर चल रहा है, देखिए अपने आप चल रहा है ऑटोमेटिक इस तरह से। पेज नंबर वन पे आए वापस से, ये देखिए पेज नंबर। आप इसको थोड़ा बॉक्स वगैरह रिवर्स वगैरह हम देना चाहें वो भी कर सकते हैं, इसके ऊपर हम एक बॉक्स बना देते हैं इस तरह से, इस तरह से बॉक्स बना देते हैं। जो भी आप चाहें कलर फिल कर सकते हैं, राउंड कॉर्नर जो भी आप चाहते हैं यहां से कर सकते, कैन डू इस तरह से कर सकते हैं। और मैं इसको अरेंज में और इसको ऑर्डर में जाके इसको पैक ऑफ पेज करके यहाँ पे टैक्स मेटर लिखा है उसको सिलेक्ट करता हूँ इस तरह से, और इसको अलाइन कर देता हूँ सेंड। इस तरह से आप पेज नंबरिंग, सॉरी गलत हो गया एक्चुअली, थोड़ा बॉक्स को डिलीट करना पड़ेगा, और वो सभी पेज पे लगना था वो लगा नहीं कमांड। इस तरह से आप पेज नंबरिंग डाल सकते हैं। आगे का नेक्स्ट चैप्टर देखने के लिए आगे के इसमें कुछ ऑप्शंस और भी है पेज नंबर कैसे, क्योंकि अभी देखिए क्या है कि ये पेज नंबर हर पेज पे सेलेक्टेड है, ये इस तरह से। आप चाहते हैं हर पेज पे सेलेक्टेड नहीं हो, एडिटेबल नहीं हो, तो आप इसको लॉक भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप सेलेक्ट करें और अरेंज जाइए, और मैं इसको यहाँ पर लॉक कर देता हूँ, मैंने लॉक कर दिया। ये लॉक देखिए एवरी पेज पर लॉक हो गया, ये मूवेबल नहीं है, इस तरह से आप लॉक कर सकते हैं इस तरह से। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। पेज नंबर पार्ट वन है ये, पेज नंबर पार्ट टू देखने के लिए थोड़ा वेट करिए, हम कुछ उसमें चर्चा करेंगे, पेज नंबर डालने के बारे में, उसके कई नए ऑप्शंस के बारे में चर्चा करेंगे, उसके बारे में आपको बताएंगे किस तरह से हम इसके और नए ऑप्शंस का कैसे यूज कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे शेयर करिए, कमेंट करिए। थैंक यू for watching my video.